हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद जिशान पर। आज हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। इंग्लैंड की महारानी इलियाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया। इसका मतलब था कि इंग्लैंड की केवल इसी कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार था। इंग्लैंड का कोई अन्य व्यक्ति था व्यापारी समूह भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकता था। इसी तरह यह कंपनी भारत से चीज़ें खरीद कर यूरोप में ज़्यादातर कीमत पर बेच सकती थी। लेकिन ज़रा सोचिए कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की चुनौती देने वाला अन्य दूसरों यूरोपीय कंपनी नहीं थी। पुर्तगाल तो यह पहले से ही भारत के साथ व्यापार कर लाभान्वित हो रहा था। इसके साथ ही हॉलैंड, फ्रांस एवं डेनमार्क जैसे देशों की व्यापारिक कंपनियों हित में इंग्लैंड की इंडिया कंपनी से टकराने लगे। सारी कंपनियां के हित भी इंग्लैंड सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें जैसे बारीक सूती कपड़े, रेशम, मलमल, मील, सोडा खरीदती थी। यूरोप में सूती कपड़ों का उत्पादन बिल्कुल ही सही नहीं होता था। वहाँ सूती कपड़ों का उपयोग गर्मियों में किया जाता था तथा ऊनी वस्त्रों के अन्य अस्त्र के रूप में जाड़ों में भी किया जाता था। इससे ऊनी कपड़ों पहनने में ज़्यादा मुलायम और आरामदेह हो जाते थे। पूरे यूरोप में भारत के सामान लोही बहुत ज़्यादा मांग थी। ठंडा प्रदेश होने के कारण यूरोप के लोगों के भोजन में मांस का उपयोग किया जाता था, जिसे स्वादिष्ट बनाने के लिए तथा मांस को लंबे समय तक उपयोग में लाने जाने के लिए योग्य बनाए रखने थे। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करना ना भूलें।